हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी, और यहाँ पर टमाटर काट रहे हैं। तिघनी रहेगा आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। दोपहर के खोजेगा तो चावल बनाएंगे, न तो नहीं बनाएंगे। और दिन ऐसे कर ले ना कि क्या बताएं, गेहूँ धोना है लेकिन दिन अच्छा नहीं कर रहा है। अगर हर दिन भी धूप कर दें, हर दिन भी कर दें, तो एक दिन में गेहूँ सूख जाएगा। और धूप पहले अगर एक को डेढ़ घंटा अगर धूप लग गया ना तो ठीक हो जाएगा, गेहूँ सुधर जाएगा। तो जा रहे हैं पहले गेहूँ धो देंगे, अगर पानी डाल देंगे सब्जी में और जाकर गेहूँ धो देंगे, ऐसे ना ठीक हो जाएगा। ना कुठ आटा नहीं, और आटा नहीं रहता तो मेरे दिमाग में टेंशन हो जाता है। बिना रोटी के हम नहीं रह सकते हैं। चावल नहीं वो मिले ना तो ठीक है, लेकिन रोटी नहीं मिलेगा ना तो हमको दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पानी डाल दिए, सब्जी का मसाला भून के अब इसमें सीटी लगा देंगे। जा रहे हैं गेहूँ धोने। गेहूँ को डाल दिए हैं, अब धो के जल्दी से पसा दे रहे हैं। गेहूँ यहाँ पर पसा दिए, और जैसे गेहूँ धो गया ना उसी बादल कर दिए, बादल कर दिए। लेकिन एक घंटा अगर धूप लग गया ना, एक घंटा भी अगर धूप लग गया तो गेहूँ नहीं बिगड़ेगा। और भगवान से विनती है कि एक घंटा तो सही ऐसे भी चले रहा। बादल बहुत लगा दिया तो वैसे ही छोड़ देंगे। आटा एकदम जरियो नहीं है, जरियो जो कहा जाता है ना, जरियो नहीं। अपने ना नाइटी पहन के आया क्योंकि वो लथा ना तो यहाँ तक था, ठेना पटा था, अच्छा नहीं लगता, इसलिए नाइटी पहन लिया। आप लोग कहिएगा कि ड्रेस बदला हुआ है, इसलिए बता दे रहे हैं। फिर जाएंगे नीचे तो खोल देंगे। अरे डेरी मिल भी आ गया, रो रहा था, पड़ रहा था, उसको लेते हैं। सोच रहे हैं कि तोप दे, लेकिन नहीं तोपेंगे तो कबूतर आएगा। चादर लाए हैं तोपने के लिए, नहीं तोपेंगे तो कबूतर आएगा। तोप देंगे तो धूप नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें, आगे गेहूँ पचार के धूप तो नहीं कह ले, लेकिन एक घंटा भी अगर लग गया ना तो बस काम हो जाएगा। मेरा तोपे नहीं है, एक जितना कबूतर छिटना हो, खाने से दिक्कत नहीं है, छिट देता है पूरा, एकदम से छिट देगा, उससे दिक्कत होता है। ऐसे आते हैं ना, हाँ हाँ पानी नहीं है। हम ही बुताए थे सुबह, देखे कि बच रहा है, तुम नहीं उठे तो हम बुता दिए। यहाँ सब्जी मेरा बन गया, अब जा रहे हैं रोटी बनाने। ये देखिए आलू सोयाबीन की सब्जी बन के तैयार। आलू और धुए वो था ही, सोचे कि उसमें सोयाबीन मिला देते हैं तो सबका सब्जी हो जाएगा। तो रात को क्या बनाए थे? रात को लिट्टी और चोखा, और ये संडे का मॉर्निंग है। रोटी बन गया, यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, रोटी और आलू सोयाबीन की सब्जी। और ये देखिए दिन धूप एकदम नहीं कैले है, गेहूँ ऊपर पसार दिए हैं। दोनों के दोनों जुगाड़ में है पिंजरा खोलने में, उन्हें खोल रहा है। बहुत समझदार सब हो गया है दादी, बहुत समझदार। आओ खोलो पहले, तनिक आओ खोलो तब ना निकलेगा। खोलो खोलो, जोर लगाओ भैया, कुछ तो करो भैया, खोलो खोलो, हाँ खोलो। हम भैया से वीडियो बनाएंगे, तुम लोग का शरारत दिखाएंगे। रुको 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 रुको। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग?
उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सुबह बनाए थे हम आलू सोया बड़ी की सब्जी और वो दोपहर को चावल बनाने के लिए दिखलाने के लिए याद नहीं रहा, नहीं दिखलाया हमें, नहीं दिखलाया। उसके बाद गेहूँ मतलब 11:30 में उतार से लेकर चला है, क्योंकि पानी फिर से चलने लगा, लेकिन सूख गया है, ये नहीं कि बिगड़ने वाला है। कल एको घंटा घामा कर दिया ना, धूप कर दिया, हम लोग घामा करते हैं तो जाके पे रख देंगे तो शाम को पिसा देंगे, रख साधी आटा नहीं तो सुबह हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा आटा। तो यहाँ पर बना रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्जी, शाम के समय में बना रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी, यही चलेगा। दूध लेगा कहते हैं तो सबसे दूध ले देंगे, दूध रोटी आलू गोभी मटर की सब्जी। दूध भी उबालना है, निकाल कर रख दिया है, तो उबालना है, जा रहे हैं उबाल देना, उसके बाद रोटी बना देंगे। इसको ढक के पकाएंगे, अच्छी तरह से इसको भूज लेंगे। आई देखिए कल क्या करते रहता है, फूल फूल करते रहता है अंदर नाकू टाकू टाके। सब्जी यहाँ पे बन गया आलू गोभी मटर का, और यहाँ पे रोटी सेकने के लिए तावा चढ़ा दिया, अब जा रहे हैं झटझट रोटी सेक लेने। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो यहाँ सुबह सुबह के समय है, रात को हम बनाए थे आलू बैंगन, नहीं आलू गोभी और मटर की सब्जी और दूध रोटी चला था, उसका नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। तो यहाँ पर बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी, हो ही गया है, झोरगर टाइप बनाएंगे ताकि चावल में भी चल जाए और रोटी में भी चल जाए। झोरगर बनाएंगे ना तो थोड़ा सा भी सब्जी में ना काम चल जाता है। और यहाँ पर बनाए हैं ये कुंदरी और भिंडी का भुंजिया, एक साथ कर दी है, लेकिन पहले भूंजे हैं कुंदरी, उसके बाद भूंजे हैं भिंडी, इसके बाद दोनों भूंज के एक साथ कर दिए हैं, मस्त लगता है। तो चार गो कुंदरी था और भिंडी भी था, अच्छा चूँकि दोनों को फेंट देंगे ना तो साथ में अच्छा भी लगता है और ज़्यादा भी हो जाता है। और यहाँ पर ये आटा लगा लिए हैं, तो अब जा रहे हैं हम रोटी बनाने, उसके बाद चावल, चावल रोटी दोनों के साथ कर लेंगे, क्योंकि आज हमको जाना है अंजलि को दिखलाने। कल फ़ोन किए क्लिनिक में तो डॉक्टर 2 बजे तक बैठे थे, हमको लगा कि शाम तक हम जाएंगे दिखलाने, तो 2 बजे तक बैठे थे कल दोपहर तक, तो उसके बाद हम शाम में कॉल किए तो बोले कि कल है ये, तो इतनी घड़ी जाएंगे 12 बजे, तो खाना जल्दी जल्दी चावल भी बना लेंगे, रोटी भी बना लेंगे, उसके बाद हो जाएंगे फुल, क्योंकि जब दिखला लेंगे रिपोर्ट डॉक्टर देख लेंगे उसके बाद मिजाज स्थिर हो जाएगा, क्या दवा का लिखते हैं उसके बाद। यहाँ पर रोटी बन गया, आशीष को दे दिए खाने के लिए, ये तो भुंजी आप लोग को हम दिखला ही दिए, ये देखिए तो अच्छा लगता है, दोनों एक साथ भून दीजिएगा ना, नहीं पहले कुंदरी भून लीजिएगा, कुंदरी लेट से पकता है, उसके बाद अरे आलू बैंगन की सब्जी छोट टाइप कर दिए हैं, दूध चढ़ा दिए हैं अंजलि, दूध रोटी खाने के लिए बोल रही है, तो दूध रोटी उसको दे देंगे। बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, अब इसको धो देंगे, काम खत्म, उसके बाद चावल चढ़ा के चल जाएंगे सीधे नहाने। जा रहे हैं दिखलाने, मौसम ऐसा है ना कि कभी धूप कर रहा है, कभी छांव कर दे रहा है, ये नहीं ना कि कम से कम अच्छा रहे, खतरी लग रहा है, अच्छा रहा है, कभी धूप कर दे रहा है, कभी छांव कर दे रहा है, अच्छा कर रहा है। तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दादा की चैनल ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। कौवा बोल रहा है, अच्छा लगता है सबका, नाला है।
कचरा नहीं आ रहा है, कचरा वाला इधर नहीं आ रहा, सही बात है। सारा रोड पर ऐसे दिखा लग रहा कि उल्टी हो जाएगा, उछल सकता है, बहुत रहा। पचमुखी हनुमान मंदिर के इधर है ना, पानी पड़ने लगा किसी किसी दिए। हम लोग 2 घंटा तो बैठे देख लिए, डॉक्टर का वेट किए, इतना भीड़ रहता है इतना भीड़ को 2 घंटा वेट किए, तब जाकर हम लोग का नंबर आया। पिछला है कितना टाइम हो रहा है, टाइम मेरा 2:08 यानी कि हम 12 बजे यहाँ पर पहुँचे, 2:30 हो गया ना, 2:15 हो गया। अभी दवाई निकल रहा है, दवाई लेकर ही जाएंगे, दवाई ले लेंगे तो फिर कभी धूप कभी छाँव करेंगे, कभी धूप पड़ रहा है कभी छाँव, कभी पर होता है जाने घर, भगवान करे कि धूप ना रहे। अभी धूप नहीं है, अभी एकदम अच्छी धूप होता हुआ, अब दवाई लेकर निकलेंगे यहाँ से।